ओम शांति। 12 अप्रैल 2022 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख दो। प्रश्न, तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए तुम्हारी मुख्य धारणा क्या होनी चाहिए? उत्तर, तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकले वह एक एक बोल मनुष्यों को हीरे जैसा बना दे। तुम्हें बहुत मीठा बनना है, सबको सुख देना है, किसी को भी दुख देने का ख्याल ना आए। तुम अभी ऐसी सतयुगी स्वर्ग की दुनिया में जाते हो जहाँ सदा सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं। तो तुम्हें बाप की श्रीमत मिली है बच्चे, बाप समान दुख हरता सुख करता बनो। तुम्हारा धंधा ही है सबके दुख हर कर सुख देना। गीत, इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत सुना। बच्चे जानते हैं कि हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसी दुनिया में जाने के लिए जहाँ एक तो माया नहीं होती और कभी भी मनसा वाचा कर्मणा कोई को कोई भी दुख नहीं देते, इसलिए उनका नाम ही है स्वर्ग, पैराडाइज, वैकुंठ, और बरोबर वहाँ के मालिक लक्ष्मी नारायण का चित्र भी दिखाते हैं। प्रजा का तो चित्र नहीं दिखाएंगे, लक्ष्मी नारायण का चित्र है, जिससे सिद्ध होता है कि उनकी राजधानी में जरूर ऐसे ही मनुष्य होंगे। भारत में ही यह स्वर्ग के मालिक थे जहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। मनसा वाचा कर्मणा कोई भी किसको दुख नहीं देते, बाप भी कभी किसको दुख नहीं देते हैं, उनका नाम बाला है दुख हरता सुख करता। वह बैठ तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। इस दुनिया में सभी मनसा वाचा कर्मणा एक दो को दुख देने वाली है, वहाँ मनसा वाचा कर्मणा सब सुख देने वाली है। परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई भी स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकता। बरोबर स्वर्ग था, यहाँ भी देखो साइंस से क्या क्या बनता रहता है। एरोप्लेन, मोटरें, महल आदि कैसे बन जाती हैं, वहाँ भी साइंस सारे काम में आती है। ऐसे नहीं जमीन से कोई वैकुंठ निकल आएगा, जैसे दिखाते हैं द्वारिका समुद्र के नीचे चली गई। जो समुद्र के नीचे जाएगी वह तो गलकर ख़त्म हो जाएगी। नए सिर सब कुछ बनना है तो बाप से, जबकि हम बादशाही प्राप्त कर रहे हैं तो मनसा वाचा कर्मणा किसके प्रति बुद्धि में दुख देने का ख्याल नहीं आना चाहिए। भल यह है ही माया का राज्य, मनसा तूफान तो आएंगे, बाकी दिल में किसको दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। इस समय सब एक दो को दुख ही देते हैं, समझते सुख है परंतु वह है दुख। बाप से सबको बेमुख करते हैं। यह भक्ति मार्ग भी ड्रामा में है, ड्रामा को कोई भी जानते ही नहीं। वह लोग समझते हैं हम यह शास्त्र आदि सुनाते हैं, यह भी ज्ञान देते हैं, जब तप आदि करने से मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लेंगे। अनेक प्रकार के रास्ते बताते हैं, कहेंगे बहुत समय से भक्ति करते आए हैं तब तो भगवान आया है। हम भी कहते हैं भक्ति का जब अंत होता है तब भगवान को आना होता है, आकर भक्ति का फल देते हैं, तो वह सब भक्ति की लाइन में चले जाते हैं। इसको ज्ञान नहीं कहेंगे, शास्त्रों के ज्ञान से सदगति नहीं होती। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो उन्हों को है ही नहीं, यह तुम जानते हो। प्राचीन ज्ञान और योग से भारत स्वर्ग बना था,
सो जरूर भगवान ही सिखलाएगा। मनुष्य तो राजयोग सिखला ना सके, भगवान ने जो सहज राजयोग सिखलाया उनका बाद में शास्त्र बनाया है। यहाँ तो भगवान खुद बैठ नॉलेज समझाते हैं। गीता में सिर्फ एक भूल की है जो नाम बदली कर दिया है और समय भी दूसरा लिख दिया है। तुम जानते हो अभी भगवान हमको ज्ञान और राजयोग सिखला रहे हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई शास्त्र में नहीं है। कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी है। मनुष्य तो वही शास्त्र पढ़ते रहते हैं। बाप ने समझाया है यह सृष्टि रूपी झाड़ है। झाड़ में पहले थोड़े पत्ते फिर बढ़ते जाते हैं। भिन्न भिन्न धर्म के पत्ते दिखाए जाते हैं। वास्तव में यह जो भी वेद शास्त्र हैं वह सब भगवत गीता के पत्ते हैं, अर्थात उनसे निकले हुए सब शास्त्र हैं। तुम देखते हो बरोबर नए झाड़ की स्थापना होती है। तूफान आदि में कोई तो झट मुरझा जाते हैं, गिर पड़ते हैं। तुम जानते हो अभी हमारे दैवी झाड़ का फाउंडेशन लग रहा है और जो धर्म स्थापक है वह यह नहीं जानते कि हम क्रिश्चियन धर्म का अथवा फलाने धर्म का फाउंडेशन लगाते हैं। पीछे समझ में आता है कि फलाने ने यह फाउंडेशन लगाया। यहाँ तो कांटों को फूल बनाना होता है। तुम जानते हो हमको तो देवता बनना है, सबको सुख देना है, किसको भी दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। एक एक अक्षर मुख से ऐसा निकले जो मनुष्य को हीरे जैसा बना दे। बाप भी हमको ज्ञान सुनाते हैं जिसको धारण करते करते हम हीरे जैसा बन जाते हैं। वास्तव में टीचर किसको दुख क्यों देवे, वह तो पढ़ाते हैं। हाँ, समझाया जाता है अगर अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो 21 जन्म के लिए घाटा पड़ जाएगा। 21 जन्मों के लिए अभी पुरुषार्थ करना है। बाप मिला है जिसको ही भक्ति में याद करते थे, हे भगवान। साधु संत आदि सब याद करते हैं। भगवान तो एक है परंतु वह कौन है यह नहीं जानते। श्री कृष्ण तो सतयुग में प्रिंस था, उनको तो ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि वह सर्व का दुख हरता सुख करता है। वही श्री कृष्ण की आत्मा जो सुख में थी अब दुख में है। भगवान के लिए ऐसे नहीं कहेंगे ना, वह तो दुख सुख से न्यारा है। उनको मनुष्य का तन है नहीं। बाप जो स्थापना करते हैं वहाँ सुख ही सुख है। तब गाया जाता है दुख हरता सुख करता। तुम जानते हो हम रावण के राज्य में आधा कल्प दुखी थे। अल्प काल का सुख रहता है, बाकी दुख ही दुख है। जिसको सन्यासी लोग काग विष्टा समान सुख कहते हैं क्योंकि विकार से पैदा होते हैं ना। लेकिन कोई पवित्र प्रवृत्ति मार्ग भी होगा जहाँ कोई भी विकार नहीं होगा। बरोबर वह सतयुग में था, उसका नाम ही है स्वर्ग, वह है पवित्र मार्ग स्वर्ग। फिर पतित बनते हैं तो उनको कहा जाता है नर्क, भ्रष्टाचारी मार्ग। यह दुख सुख का खेल बना हुआ है। मनुष्यों को अभी अभी सुख अभी अभी दुख, उनको यह मालूम ही नहीं कि स्वर्ग में सदा सुख होता है। दुख का नाम निशान भी नहीं रहता। यहाँ फिर सुख का नाम निशान भी नहीं है। विकार में जाना यह तो दुख ही है। तब तो सन्यासी भी सन्यास करती है परंतु वह है निर्वृत्ति मार्ग। सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग था, वह था शिवालय, देवी देवताएं, लक्ष्मी नारायण आदि के जड़ चित्र मंदिरों में भी कैसे ताज व तख्त से सजे हुए हैं। भारत ही है
जिसमें राजा रानी दैवी संप्रदाय थे और कोई धर्म में ऐसे नहीं है। भल राजाएं तो हुए हैं परंतु डबल ताज नहीं है। सतयुग में शुरू से ही राजाई चलती है। आदि सनातन डबल सिरताज देवी देवता धर्म था। वह धर्म कैसे स्थापन हुआ यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो। शिव बाबा की मत से तुम दुख हरता सुख करता बनते हो। तुम्हारा धंधा ही यह है सबका दुख हर कर सुख देना। अगर तुम भी किसको दुख देंगे तो कौन कहेगा कि यह दुखकर्ता सुखकर्ता की संतान है। पहले मनसा में ख्यालात आते हैं फिर एक्ट में आते हैं। तुम बच्चों को तो अति मीठा बनना है। भगवान पढ़ाते हैं तो जब तक चलन तुम्हारी दैवी नहीं होगी तो मनुष्य तुम पर विश्वास कैसे करेंगे। गीता में भी लिखा है भगवानुवाच मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ। भगवान जरूर संगम पर होगा। भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ होगा। यह काम कोई कृष्ण का नहीं है। त्रिमूर्ति दिखाते हैं परंतु शिव को उड़ा दिया है। फिर कहते हैं ब्रह्मा को तो तीन मुख होते हैं। यह एक मुख वाला ब्रह्मा कहाँ से आया। अब मनुष्य को तीन मुख कैसे होंगे। बाप कहते हैं तुम मेरे समझू सयाने बच्चे हो। तुम ही विश्व पर राज्य करते थे। अब बाबा तुमको देही अभिमानी बना रहे हैं। अब अपने को आत्मा समझो। मुक्ति धाम में सबको अशरीरी बनाए भेज देते हैं। यहाँ आकर तुमने यह शरीर धारण किया है। शरीर धारण करते करते तुमको देह अभिमान पक्का हो गया है। अभी तुम अपने को आत्मा समझो। मुझ आत्मा ने 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। अभी यह अंतिम जन्म है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो। बाप कहते हैं अभी तुम देही अभिमानी बनो। वापिस लौटना है फिर तुम स्वर्ग में आएंगे। अभी तुम मेरे द्वारा स्वर्ग की बादशाही लेने की मेहनत कर रहे हो। बाप को तुम भूल जाते हो तो खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। शास्त्रों में कितनी भारी भूल कर दी है। शिव बाबा को ही उड़ा दिया है। पूजा करते भी कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। अरे तब पूजा किसकी करती हो याद किसको करते हो। कहते भी हो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है परंतु आत्मा किसकी संतान है यह नहीं जानती। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहे इस शरीर द्वारा पाठ बजाता हूँ। इस पुतले को नचाता हूँ। कठपुतलियों का डांस होता है ना वह दूसरे आदमी बैठ डांस कराते हैं। पहले पहले तो देही अभिमानी बनना है और बाप जो कुछ समझाते हैं उसको धारण करना है। प्रदर्शनी में पहले पहले तो बाप का परिचय समझाना है कि यह सबका बाबा है। वह निराकार दूसरा साकार प्रजापिता दो बाबाई हैं। तुम जानते हो लौकिक बाप भी है पारलौकिक बाप भी है। वह हद का वह बेहद का अब नई रचना रच रहे हैं। हम वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। ऐसी ऐसी बातें अपने साथ करके पक्का कर देना है। देही अभिमानी बनना है। हम शिव बाबा के पास पढ़ने जाते हैं। परम पिता परमात्मा निराकार है। साकार है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। तुमको ब्रह्मा ने एडोप्ट किया है। तुम हो गई नई रचना ब्राह्मण। वह है पुराने जिस्मानी ब्राह्मण। वह जिस्मानी यात्रा कराते हैं तुम रूहानी। तुम बच्चे अभी श्रेष्ठ बन रहे हो। यह है ही ईश्वरीय मिशन।
भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने की, मनुष्य तो बना ना सके। वास्तव में सच्ची सच्ची सदाचार समिति तुम्हारी है, तुम्हारा लीडर देखो कौन है। बाप कहते हैं मैं फिर से राजयोग सिखलाने आया हूँ। यह वही संगम युग है, अभी मनुष्य से देवता बनाता हूँ। तुम जानती हो हम शूद्र से अभी ब्राह्मण बन रहे हैं। ब्राह्मणों की है चोटी, ब्रह्मा भी चोटी है। ब्रह्मा में जो प्रवेश करते हैं उनको इन आँखों से देख नहीं सकते, बाकी तो सबको देखते हैं, बुद्धि से जानते हैं, निराकार बाप हमको पढ़ाते हैं। ब्रह्मा को तो ब्राह्मण यहाँ चाहिए, सूक्ष्म वतन में हो ना सके, एडोप्ट करते हैं। व्यक्त ब्रह्मा सो अव्यक्त बनता है, यह बड़ी समझने की बातें हैं। पहले पहले लक्ष्य को समझ लिया फिर भल कहाँ भी बैठ पड़ सकते हैं। मुरली रोजाना सुननी पड़े, एक दिन भी मिस होने से बड़ा घाटा पड़ जाता है, क्योंकि पॉइंट्स बड़ी गुहे हीरे रतन निकलते हैं। कोई फर्स्ट क्लास रतन निकला हो और मिस कर दिया तो घाटा पड़ जाए। रेगुलर स्टूडेंट बड़े एक्यूरेट होते हैं, अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। यह तो बहुत ऊंची पढ़ाई है, सरस्वती को बेंजो और कृष्ण को मुरली दी है, वास्तव में कृष्ण को भूल से दे दी है, है तो ब्रह्मा। तुम जानते हो यह शिव बाबा का मुख है, कृष्ण का और सरस्वती का तो कोई भी कनेक्शन नहीं है, सारी मूंझ कर दी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है मैं आत्मा इस शरीर रूपी पुतले को नचा रही हूँ, मैं इससे अलग हूँ। ऐसा अभ्यास करते करते देही अभिमानी बनना है। दूसरा पॉइंट है मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है, रेगुलर बनना है, पढ़ाई में बहुत बहुत एक्यूरेट रहना है। वरदान, माया और प्रकृति की हलचल से सदा सेफ रहने वाले दिलाराम के दिल तखत नशीन भव। विस्तार, सदा सेफ रहने का स्थान दिलाराम बाप का दिल तखत है, सदा इसी स्मृति में रहो कि हमारा ही यह श्रेष्ठ भाग्य है जो भगवान के दिल तखत नशीन बन गई, जो परमात्म दिल में समाया हुआ अथवा दिल तखत नशीन है वह सदा सेफ है। माया व प्रकृति के तूफान उसे हिला नहीं सकते। ऐसे अचल रहने वालों का यादगार अचल घर है, चंचल घर नहीं। इसलिए स्मृति रहे कि हम अनेक बार अचल बने हैं और अभी भी अचल है। स्लोगन, ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनना ही शिक्षाओं को स्वरूप में लाना है। अच्छा, ओम शांति।